नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बाराबंकी जीनियस कोचिंग पे। दोस्तों, किसी कारणवश कल हम लोग नहीं लाइव हो पाए, आज फिर से आपकी सेवा में हाजिर हैं। तो फटाफट सबसे तो सबको बता दें कि हम आ गए हैं लाइव क्लास में। सबको जोड़ लें दोस्तों, फिर हम स्टार्ट करते हैं। फटाफट शेयर कर दीजिए सबको, और ये बता दें कि आप लोगों को आवाज़ वगैरह सब मिल रही है प्रॉपर वे में। देखिए, बहुत लोग आ रहे हैं, जितेंद्र कुमार, महेंद्र, सुषमा, विमल, प्रज्ञा तिवारी, मुस्कान द्विवेदी, त्रिकेश शुक्ला, सुनील राजपूत, अजीत कुमार, संदीप यादव, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, यदिवंशी, अभिषेक यादव। चलिए, और लोगों को जोड़िए भाई, फटाफट सबको जोड़िए, और जिससे कि हम लोग अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर सकें। देखिए, हम लोग जो चर्चा कर रहे थे पाइप एंड सिस्टम पे, उसी से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। आज आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे इस पे, और सबसे पहले तो सब लोग भाई फटाफट सबको जोड़ दें। राहुल सिंह कह रहे हैं दोपहर में क्लास नहीं होगी क्या? होगी राहुल जी। पंकज वर्मा, वेरी गुड मॉर्निंग। श्याम करण, योगेश वर्मा, वेरी गुड मॉर्निंग। राहुल सिंह जी, दोपहर में भी क्लास होगी। जैकी सिंह, योगेश वर्मा, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, अभी बहुत कम लोग जोड़ पाए हैं, और जोड़िए। और आप लोगों के लिए एक संदेश है दोस्तों। देखिए, आप लोगों को जानकारी मिल रही होगी, न्यूज़ चैनल से आप लोग जुड़े रहे होंगे, तो आप सुनते रहोगे कि बहुत सारे केसेस कोरोना के आ रहे हैं। एक महामारी जो है, ये बहुत ज़्यादा समय प्रभावित कर रही है। इसका सिस्टम ये बन गया है कि पिछली बार हम लोगों को कोरोना से डर था, तो इतना कोरोना नहीं था। इस बार कोरोना से डर नहीं है, इसलिए कोरोना बढ़ता जा रहा है, मल्टीपल चॉइस में बढ़ रहा है। हर बार लखनऊ जैसे शहर में, मतलब इतना बड़ा नहीं कह सकते, फिर भी वहाँ पे 5,554 केसेज आज की डेट में आए हैं 24 घंटे में। इसलिए आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि आप लोग घर पे रहें, स्टे होम एंड सेफ, घर पे रहें और सुरक्षित रहें, घर से अपनी पढ़ाई को जारी रखें, और कम से कम बाहर निकलें, मास्क, सैनिटाइज़र सबका प्रयोग ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, त्रिकेश शुक्ला बता रहे हैं बाकी सब्जेक्ट नहीं, सिर्फ मैथ की क्लास होगी। होगी, बाकी सब्जेक्ट भी होंगे अभी तुरंत इसके बाद। ठीक है, सतगुरु प्रतिभा पटेल, सर जीएस की क्लास नहीं होगी, हो रही होगी दोस्त, जीएस की क्लास कल से होगी। सौरभ पटेल, आर्मी लवर, गोलू, सुषमा, जीएस की क्लास भी होगी। ठीक है, अनुष्का चतुर्वेदी, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, जीएस की क्लासेस भी होंगी कल से, जीएस की क्लासेस होंगी, संतोष सर प्रॉपर वे में कल से मिलेंगे आप लोगों को, और आगे भी होती रहेंगी, और भी आज क्लासेस होंगी। जैसे कुछ एक बैचों के लिए हिंदी जहाँ पे आती है, उनकी हिंदी की क्लास भी होगी अभी मैथ की क्लास के जस्ट बाद, और इसी तरह से क्लासेस होती रहेंगी। आर्मी लवर, वेरी गुड मॉर्निंग। मनीष कुमार, शैलेंद्र ओझा, वेरी गुड मॉर्निंग, शैलेंद्र सिंह, सॉरी। चलिए, तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन के साथ, देखते हैं। एक क्वेश्चन आप स्क्रीन पे आ रहा है, देखिएगा, और फिर उस पर हम लोग आगे काम करेंगे। देखिए, आपकी स्क्रीन पे अभी क्वेश्चन आ रहा है। मधुकर त्रिपाठी, वेरी गुड मॉर्निंग। अवनीश कुमार, वेरी गुड मॉर्निंग। राजीव हल्ला, वेरी गुड मॉर्निंग, हैप्पी टू सी यू। थैंक यू राजीव जी। और आपकी जॉब कैसी चल रही है? आप तो बहुत ही क्रूशियल एरिया में हैं। श्वेता जायसवाल, वेरी गुड मॉर्निंग। राजीव जी, आपकी जॉब कैसी चल रही है इस समय, और पोस्टिंग अभी भी आपकी वहीं ठंडे इलाके में है? हाँ भाई, देखिए, आपकी स्क्रीन पर सवाल आ गया है। मनीष कुमार, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, आपकी स्क्रीन पर सवाल आ चुका है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ें सवाल, आंसर करें। देखिए, सवाल आया है, एक पाइप की गति दूसरे पाइप से 3 गुनी है, यदि दोनों मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं,
तो धीमी गति वाला पाइप इसे कितने समय में भरेगा? देखिए, सब लोगों को सवाल मिल गया। मुस्कान वर्मा, वेरी गुड मॉर्निंग। राजीव भल्ला, गुड, बहुत बढ़िया। आलोक कुमार, राहुल वर्मा, महेंद्र यादव, मनीष कुमार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कि अभी बहुत कम लोग जुड़ पाए हैं भाई, क्या हुआ? और लोगों को बताएं कि हम लाइव आ चुके हैं। चलिए देखिए, आपके स्क्रीन पर सवाल आ गया है। कह रहा है एक पाइप, अरे वाह, राजीव भल्ला मुबारक हो, बता रहे रेडी फॉर स्केल 3 on 25 September। बहुत बढ़िया, मुबारक हो आप लोग, आपको अग्रिम शुभकामनाएं। विकास चौधरी, अभिषेक, सूरज, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, तो देखते हैं आपके स्क्रीन पे जो सवाल आया है। कह रहा है एक पाइप की गति दूसरे पाइप से 3 गुनी है, यदि दोनों पाइप मिलाकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर देते हैं तो धीमी गति वाला पाइप इसे कितनी देर में भरेगा? चलिए देखते हैं भाई। देखिए यहाँ पर बात आया है अनुपात का, ठीक है? तो ये मुस्कान वर्मा पूछ रहे हैं, सर कितने टाइम से क्लास होती है? क्लास शेड्यूल तो 7 बजे से है, लेकिन आज थोड़ा लेट है हम लोग, ठीक है? 7 बजे से शेड्यूल क्लास है। मनीष कुमार, प्रदीप, रीता तिवारी, संदीप, संदीप यादव, देखिए आंसर कर रहे हैं, सब लोग आंसर करें। देखिए, हम लोगों ने बात करी थी पिछले क्लास में, इफिशियंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू वर्क, इस पे काम किया था। आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने क्या काम किया था, एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क पे, ठीक है? अब यहाँ पे हमने बताया था कि मैक्सिमम टाइम में कार्य क्या होगा, बराबर। और अगर कार्य बराबर होता तो एफिशिएंसी और टाइम बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये दोनों व्युत्क्रम अनुपात में होते हैं। व्युत्क्रम अनुपात का मतलब समझते हैं दोस्तों, जिस अनुपात में इनकी क्षमता होगी उसके व्युत्क्रम अनुपात में इनके कार्य होंगे, ठीक है? तो जैसे इसने कहा है कि एक दो नल हैं ए और बी, ठीक है? तो क्वेश्चन देखिए हट गया स्क्रीन से, एक बार हमको दिखा दिया जाए, पीडीएफ में दिखा दो, पीडीएफ में दिखा दो। हाँ, एक पाइप की गति दूसरे से 3 गुनी है, ठीक है? मान लेते दो पाइप ए और बी हैं, ए और बी दो पाइप हैं। कह रहा है एक की गति दूसरे से 3 गुनी है, गति का मतलब दोस्त एफिशिएंसी होता है। मान लो इसकी एक है तो दूसरे की इसकी 3 गुनी 3 होगी, ये एफिशिएंसी हो गई, ठीक है? अब कह रहा है कि यदि दोनों पाइप मिलकर इसे 36 मिनट में भर देते हैं तो धीमी गति वाला कितने देर में भरेगा, ठीक? तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ से एक काम लाना है, काम, ठीक है? वर्क, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम। टाइम दिया है 36 मिनट, अब ये हमको ऑब्जर्व करना है कि ये टाइम किसका दिया है। तो पता चला कि दोनों दोनों व्यक्तियों का, दोनों नलों का एक साथ मिला हुआ टाइम दिया है, तो दोनों की क्षमता से एक साथ गुणा कर दे, दोनों की क्षमता कितनी, 4, ठीक है? तो ये आपका काम हो गया 144, ठीक है? अब हमको टाइम निकालना है ए का, तो 144 काम है, और काम को अगर इनकी इफिशंसी से डिवाइड कर दे, इफिशंसी 1 है, तो आपका समय आ जाएगा 144 मिनट। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा सबको। मुस्कान वर्मा बोल रही हैं, सर एसएससी जीडी की क्लास है? हाँ बेटा, ये सब में आएगा, अभी बेसिक चल रहा है, ठीक है? ये बेसिक क्लास है, ठीक है? बेसिक चैप्टर चल रहा है, ये सब में आएगा, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है भाई? तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। अगला सवाल देखते हैं क्या होता है, आपके स्क्रीन पे आने वाला है अगला सवाल। देखते हैं अगला सवाल क्या होगा भाई। सुषमा श्रीवास्तव, 144, देखिए बहुत सारे लोगों ने आंसर किया, अगले सवाल का भी देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं। और इसका जो सबसे पहला आंसर किया गया भाई, किसके द्वारा किया गया ये देखते हैं हम लोग। सबसे पहला आंसर जो दिया गया है आपका मनीष कुमार ने दिया है, फिर संदीप यादव, फिर महेंद्र, अभिषेक, प्रज्ञा तिवारी, मनीष, सुनील राजपूत। जो लोग देखिए ऑफलाइन में पढ़ चुके हैं वो सब आंसर कर रहे हैं, सुषमा, जितेंद्र, अनुज, मुस्कान द्विवेदी, सुषमा श्रीवास्तव। चलिए बहुत बढ़िया, सब लोगों ने आंसर किया।
ठीक है, महेंद्र यादव ने भी सी आंसर बताया था। इसी के साथ अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आता हुआ आ गया है। तीन नल ए बी तथा सी एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर देते हैं। यदि सी की गति बी से दोगुनी हो तथा ए की गति तथा बी की गति ए से दोगुनी हो तो नल ए खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा? चलिए, बहुत बढ़िया सवाल है विकास वर्मा, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया सवाल आया है। ठीक है, बेसिक लेवल का है ये भी, फटाफट आंसर करें। और जो लोग ऑफलाइन क्लास में मुझसे पढ़ चुके हैं निश्चित तौर पे उनका आंसर आना चाहिए। चलिए भाई, देखते हैं कौन कौन आंसर करता है। चलिए भाई, अभी तक एक आंसर आया है, मुस्कान द्विवेदी, 35 घंटे। आगे देखते हैं भाई, वंदना वर्मा 35 घंटे, भूपेंद्र का आ गया 35। चलिए, प्रज्ञा तिवारी, सामकरण, मुस्कान वर्मा, महेंद्र यादव, विकास वर्मा आ रहा है आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और भी आंसर करें, फटाफट लोग आंसर करें, देखते हैं कौन कौन आंसर कर रहा है। और अभी इसके बाद हिंदी की क्लास है, उसके बाद फिर हम मिलेंगे आप लोगों को, कुछ एक नए चैप्टर्स के साथ मिलेंगे। इसके अलावा भी पैरेलल में कोई चैप्टर चलाएंगे। मनीष कुमार, आलोक, वीरेंद्र, संदीप, सुषमा, मनीष, जितेंद्र, मनीष कुमार बार बार नहीं, एक बार कर दिया, ठीक है भाई। संदीप चौहान, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखते हैं, देखिए इसने कहा तीन नल हैं आपके पास, ए बी और सी, ठीक है। फिर इन तीनों नलों के बारे में बताया गया है कि खाली टंकी को 5 घंटे में तीनों भरते हैं। यदि सी की क्षमता बी से दोगुनी है और बी की क्षमता ए से दोगुनी है, मतलब बी जो है ए से दोगुना, ए अगर एक है तो बी दो होगा, और सी की क्षमता बी से दोगुनी यानी कितनी हो गई, 4 हो जाएगी। ये इफिशेंसी का अनुपात हो गया। अब हमको चाहिए कार्य, दोस्तों कार्य कहाँ से आएगा, ठीक है। तीनों मिलकर के 5 घंटे में करते हैं तो तीनों की मिली क्षमता 2, 1, 3 और 4, 7, तो ये कितनी हो गई, 35। 35 क्षमता हो गई। फिर पूछा किसका है भाई इसमें, तो ए नल ए टंकी को कितने समय में भर देगा, नल ए को भराना है भाई, काम 35 है, क्षमता 1 है, बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है। 35 मिनट या 35 घंटे, जो भी आपका यूनिट था, घंटे में था, घंटे में हो गया, ठीक। चलिए, रीता तिवारी, सुनील, अरबाज खान, सबका आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं, देखिए ये सवाल कौन सही करता है। अगले सवाल में देखते हैं कौन सही करता है भाई, आपकी स्क्रीन पे आने वाला है अगला क्वेश्चन, बहुत जल्द ही आने वाला है। और सब लोग जुड़े रहें, और लोगों को जोड़ते रहें भाई, फटाफट सबको जोड़ते रहें, अभी बहुत कम लोग आए हुए हैं आज, क्या बात है भाई, आज इतने कम लोग क्यों। चलिए आंसर करें भाई, अगला सवाल आने वाला है आपके स्क्रीन पे। और जो लोग पढ़ चुके हैं पहले से, सर मेरी मैथ 0 लेवल वाली, बताइए कैसे पढ़ाई करें, जैसे पढ़ रहे हैं बेटा मुस्कान वैसे पढ़ते रहें आप, ठीक है। और लेवल किसी का 0 नहीं होता, किसी का टॉप नहीं होता, बस थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत होती है। अनिल यादव, वेरी गुड मॉर्निंग, आप पढ़ाई को विशेष तौर पर समझें और सवाल को रटने की कोशिश ना करें, ठीक है। गणित में कभी भी रटने की कोशिश करेंगी तो आपको दिक्कत होगी। जेके सिंह जी पिछले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, 35 मिनट, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया है, देखते हैं कौन कौन आंसर करता है उसका। वंदना वर्मा ने इसका आंसर किया है 20 मिनट, किरण कुमारी, वेरी गुड मॉर्निंग, मुस्कान द्विवेदी ने 20 मिनट आंसर किया है। देखिए बहुत आसान आसान सवाल है, धीरे धीरे करके इनका लेवल बढ़ाया जाएगा। अभी आप लोग आंसर करें, दो नल ए बी तथा ए तथा बी एक टंकी को भरने में क्रमशः 20 मिनट तथा 1 घंटा लेते हैं। दोनों नलों को 10 मिनट के लिए खोल दिया जाता है, इसके बाद नल ए बंद कर दिया जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए बहुत लोगों का आंसर आ रहा है, संदीप चौहान, विकास वर्मा, भूपेंद्र कुमार, मुस्कान वर्मा, प्रज्ञा तिवारी, सैम करण, दुर्गेश, भूपेंद्र, महेंद्र, हरिकेश, हरीश पांडे, ये देखिए आप सब लोगों का आंसर आ रहा है और आंसर सबका सही है, ठीक है।
आगे देखते हैं भाई इसको, जो लोग नहीं कर पाए आंसर उनके लिए देखते हैं, हटाना मत अभी। कह रहा है दो नल हैं ए और बी, मान लेते हैं दो नल हैं ठीक है, जो 20 मिनट तथा 1 घंटे में भर सकते हैं। ये 20 मिनट में भरता है, ये 1 घंटे, 1 घंटे को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, 60 मिनट लिख सकते हैं, 60 मिनट में भरता है। कहता है पहले 10 मिनट तक दोनों नलों को चलाया जाता है। आलोक, मनीष, अनिल, हाँ आप लोगों का भी सही है, 10 मिनट तक चलाया जाता है, फिर ए को बंद कर दिया जाता है। हटा दो सवाल। अब शेष भाग देखिए, इनको 10 मिनट तक चलाया गया। सबसे पहले हम काम मान लेते हैं, 60 काम था जो 20 मिनट में करता, तो 1 मिनट में कितना करेगा, 3, और ये 1 मिनट में कितना करेगा भाई, 1 ठीक है। अब दोनों को ए प्लस बी अगर दोनों मिल जाएंगे तो 1 मिनट में काम कितना होगा, 4। 10 मिनट तक किया, 10 मिनट में कितना काम कर देंगे, 40 ठीक है। अब देखते हैं आप, 60 काम था, 40 कर दिया इन लोगों ने, तो बचा कितना आपके पास, 20। अब इस 20 काम को बी करना है क्योंकि ए को बंद कर दिया गया ठीक है। काम 20 है और बी की क्षमता कितनी है भाई, 1, तो समय कितना लगेगा, 20 मिनट लगेगा, यानी 20 मिनट में ये काम हो जाएगा आपका बचा हुआ ठीक है। चलिए विवेक कुमार शर्मा, वेरी गुड मॉर्निंग, इस तरह से सबका आंसर सही था। और अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पे आने वाला है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आने वाला है, और इस सवाल पे हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग इसी तरह से आंसर देते रहें, अच्छा लग रहा है ठीक है। और आप लोगों को यदि कोई सवाल पूछना है, यदि कोई सवाल पूछना है तो याद रखिए 94 53 84 94 60, ये व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे टेलीग्राम ग्रुप है। अगर आप मुझे इस पे मैसेज करेंगे अपने नाम के सहित, तो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ऐड कर दिया जाएगा और उसी पे आप अपने सवाल भेज सकेंगे। एक नंबर और लिख लो, 8115 8142 21, ये भी नंबर है। ये दोनों नंबर से आप मैसेज कर सकते हैं इन पे। इन पे अगर आप अपने नाम के सहित मैसेज करेंगे तो आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे, और टेलीग्राम ग्रुप से अगर जुड़ गए तो आप लोगों को सवाल पूछने में भी आसानी रहेगी ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आपके स्क्रीन पे आ गया है। दो नल ए तथा बी एक टंकी की को क्रमशः 6 मिनट तथा 7 मिनट में भर सकते हैं। ए से आरंभ करते हुए प्रत्येक नल को बारी बारी से खोला जाता है ठीक है, ए से आरंभ करते हुए प्रत्येक नल को बारी बारी से खोला जाता है, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा भाई। देखो कुछ नहीं है, ए भरता है 6 मिनट में और बी भरता है 7 मिनट में ठीक है, क्लियर भाई। तो ए 6 मिनट में और बी 7 मिनट में भरता है। कह रहा है ए से आरंभ करते हुए दोनों नलों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है। बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं ठीक है। अब मान लेते हैं कि इन दोनों का काम 42 मान लेते हैं, और इसकी क्षमता 7 आ जाएगी, इसकी 6। यहाँ तक तो बहुत आसानी से आप लोग कर चुके होंगे, हटा दीजिए सवाल। यहाँ तक तो बहुत आसानी से सबको समझ आ गया होगा, देखिए सबका आंसर भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। देखते हैं भूपेंद्र वर्मा का कुछ अलग आंसर आया है, बाकी सबका एक सेम आंसर आया है, 6 मिनट 6 मिनट सब बता रहे हैं, सी सी सी। चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, जब अल्टरनेट काम करते हैं तो पहले मिनट में भाई कौन काम करेगा, पहले मिनट में काम कौन करेगा, ए करेगा, ए से आरंभ किया गया है तो 1 मिनट में 7 करता है, 7 कर देगा। फिर दूसरे मिनट में कौन करेगा भाई, दूसरे मिनट में देखेंगे काम बी करेगा, और ये 1 मिनट में कितना करता है, 6 ठीक है, तो 6 ये काम कर देगा। तीसरे मिनट में फिर से ए आएगा, जहां से ये रिपीटेशन स्टार्ट होता है वहीं पे काम रोक देते हैं, तो हम देखेंगे फाइनली 2 मिनट हुआ और काम कितना हुआ, 13 ठीक है, 2 मिनट में काम कितना हुआ, 13 हो गया। अब हमको क्या करना है, हम देखेंगे अगर इसी तरह से अगला 2 मिनट का एक स्लॉट आएगा तो उसमें फिर से 13 काम हो जाएगा, मतलब हम लोग क्या करेंगे, 4 मिनट में 26 काम हो जाएगा, इसी तरह से 6 मिनट में करेंगे तो 39 काम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पर गुणा करके देखते हैं, और ऐसा कुछ गुणा इसमें करते हैं 42 से ज़्यादा ना होने पाए, इसके नज़दीक जहाँ तक पहुँचा सकते पहुँचा ले। तो हमने 13 में क्या गुणा किया, 3 का गुणा किया, तो इधर भी 3 हो गया, तो ये आया आपका 6 मिनट में 39 काम ठीक है। 42 काम था, 39 हो गया, बचा कितना है भाई, 3 ठीक है। अब ये 3 काम को करेगा कौन, 3 काम करने के लिए
आपके पास कौन आएगा? देखिए, यहाँ से जब ये रिलेटिव टाइम से हम लोग इस काम को कराते हैं, तो जो लास्ट टाइम करता है वही यहाँ पर 6 मिनट में आएगा, या हर कह सकते हैं हर इवन मिनट पे, हर दूसरे हर इवन मिनट जो आएगा, सम मिनट आएगा, सम संख्या आएगी, उस पे बी काम करेगा, और हर ऑड पे ए। तो 6 मिनट बीत चुके हैं, मिनट कौन सा आएगा? सातवां। सातवां क्या है? ऑड। ऑड मिनट पे काम कौन करेगा? ए करेगा। ठीक है, तो तीन काम है, ए की क्षमता कितनी है? 7। तो समय कितना लगेगा? 3/7। तो टोटल समय लगा 6 सही 3/7 मिनट। बहुत सारे लोगों ने 6 आंसर किया था जो कि गलत था। ठीक है, 6 सही 3/7 आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने आंसर किया है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अब अगले सवाल पे। उम्मीद करते हैं ये समझ आ रहा होगा। अगर किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, फिर से बताया जाएगा सवाल को। ठीक है, विवेक कुमार शर्मा, अतुल कुमार, अरवाज, सत्येंद्र राजपूत, सुषमा श्रीवास्तव, मनीष। मनीष कुमार बता रहे, नंबर साइड में लिखो, जो हुक्म मेरे आका, साइड में लिखा जाएगा। हरीश पांडे, बहुत बढ़िया। और इस सवाल का जो सबसे सही आंसर और सबसे पहले दिया गया, वंदना वर्मा के द्वारा। वंदना वर्मा, फिर भूपेंद्र सिंह, फिर आशीष कुमार, संदीप यादव, मुस्कान वर्मा। ठीक है, प्रज्ञा तिवारी, आपने 6 मिनट दिया था, गलत था आपका आंसर। अगला अगला सवाल देखिए, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जो कह रहा है एक पाइप किसी भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है, एक दूसरा निकासी पाइप का व्यास इस पाइप से दोगुना है, तो दोनों पाइप भरी टंकी को कितने समय में, दोनों पाइप भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेंगे? चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल है। हाँ सर, समझ में आ रहा है, विवेक कुमार शर्मा ने बताया। आशीष कह रहे हैं ऑप्शन, ऑप्शन फिर इन्होंने दिया है 13 सही 1/3। महेंद्र यादव बी ऑप्शन पे जा रहे हैं। चलिए, और लोग बताएं भाई, इसमें भी कुछ है नहीं, कोई खास नहीं है सवाल। ठीक है, आज ये तो आपके बहुत छोटे छोटे सवाल आ रहे हैं, अभी कुछ अच्छे तरह के सवाल भी कराए जाएंगे इस पे, और बहुत ही अच्छे सवाल कराए जाएंगे अगली क्लास में। ठीक है, चलिए, तो देखते हैं और भी लोग आंसर करें, आंसर करें भाई। मुस्कान द्विवेदी बी, रीता तिवारी, सुषमा श्रीवास्तव, अरवाज खान, प्रज्ञा तिवारी, मनीष कुमार। चलिए, सबके आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं, कह रहा एक पाइप भरी हुई टंकी को, मान लेते हैं ये ए है जो 40 मिनट में भर सकता है, ठीक है, और एक ये फिलिंग टैब है, और ये खाली करने वाला टैब बी है, जो इसे कितने समय में खाली करता है ये नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि इसका व्यास पहले वाले का क्या है? दोगुना है। ठीक है, दोनों पाइप भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेंगे? ठीक है, अब देखते हैं भाई, इसका व्यास अगर दोगुना कहा है तो देख लेते हैं, अगर मान लो इसका व्यास एक है तो इसका कितना होगा? 2। ठीक, तो हमेशा याद रखिए, जो पाइप होते हैं, क्वेश्चन हटा दीजिए, जो पाइप होते हैं, शिवांश वर्मा, हेलो, सॉरी सर, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, चलिए कोई बात नहीं। ये जो आपने बताया कि जो पाइप होते हैं ये सिलेंड्रिकल होते हैं, सिलेंड्रिकल माने जाते हैं, और इनसे जो निकलने वाला पाइप होता है वो व्यास के वर्ग के समानुपाती होता है, जो इनका फ्लो ऑफ वाटर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके डायमीटर के स्क्वायर के। ठीक है, तो अगर हम कहें कि इनकी इफिशेंसी यहाँ पे क्या होगी, तो इसका स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर 4, ये इफिशेंसी हो जाएगी। ठीक है, अब यहां से जो ये बात आ रही है, ठीक है, कह रहा है कि ये जो इफिशेंसी होगी ये प्लस में होगी और ये माइनस में होगी, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि ए जो है 40 मिनट में भरता, तो काम कितना ले लेंगे भाई? 40 मिनट में भरता, क्षमता 1 है, तो काम 40 हो गया। अब दोनों जुड़ जाएंगे तो ए तो भरेगा, बी खाली करेगा। ठीक है, तो अब ए 1 भरेगा और बी 3 खाली कर देगा, यानी कि भरी टंकी से, सॉरी 4 खाली कर देगा, यानी भरी टंकी से 3 खाली होगा, अब भरेगा नहीं। खाली कितना करना है? 40, और खाली कितना हो रहा है? 3, तो
तो समय कितना लगेगा? 13 सही 1/3 मिनट। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पर ये हमने शुरुआत में ही बताया था कि इनकी जो एफिशिएंसी आएगी उसको साइन के साथ डिनोट करके लिखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव। फिलिंग टैब है तो पॉजिटिव एफिशिएंसी के साथ, और ड्रेन टैब है तो नेगेटिव एफिशिएंसी के साथ लिखना है। ठीक है, मुस्कान जी कह रही है साइड में लिखे, मुस्कान वर्मा देखिए बेटा आपका क्वेश्चन हट गया, अब दिख रहा होगा, आप देख लें इसको। ठीक है, भूपेंद्र सिंह बता रहे हैं संतोष सर क्लास नहीं लेंगे आज, सर आज नहीं संतोष सर की कल क्लास होगी। अजय कुमार मोटिवेशनल वीडियो, सर एसएससी की क्लास कब चलती है? ये देखिए दोस्त, ये बेसिक है, ये सभी एग्ज़ाम के लिए है, छोटे छोटे सवाल हैं, और इसके बाद जो हम कराएंगे आपकी तीसरी क्लास, आज दूसरी क्लास चल रही है इस चैप्टर की, तीसरी क्लास जो होगी वो एसएससी के लिए हो जाएगी। ये आशीष कुमार बता रहे हैं सर एक बात बताओ, व्यास अगर दोगुना होता तो क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 नहीं होगा क्या? होगा बिल्कुल, किसने कहा नहीं होगा? ठीक है, काहे का क्षेत्रफल लेंगे दोस्त, पाइप में क्षेत्रफल काहे का लेंगे ये भी बता दें दोस्तों। ठीक है, पाइप आपका सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है, बेलनाकार होता है, तो इसमें जो पानी का भाव होता है वो इसके आयतन में होता है, और आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यानी कि आर स्क्वायर और एच तो दोनों पाइप के लिए कॉमन है, कांस्टेंट है। ठीक है, देखिए हम आपको डिस्क्राइब कर दे रहे हैं, पहले और सबको देख लें कौन क्या पूछ रहा है। सर एसएससी की क्लास कब चलती है? बता दिया भाई मुस्कान, यस सर दिख रहा है। जबीर हुसैन, डाउट कैसे पूछें सर आपसे? आप इसी पे पूछ सकते हो दोस्त, इसी पे कमेंट कर सकते हो, या अभी हमने आपको एक नंबर दिया था, ठीक है, वो नंबर नोट कर लें आप लोग, 94-53-84-94-60। ठीक है, इस पे आप अपने नाम और बैच के सहित अगर आप मैसेज करेंगे तो आपको एक टेलीग्राम लिंक मिलेगा जिस पे आप जुड़ जाएंगे, और वहाँ पे अपने आप डाउट अपने सवाल पूछ सकेंगे। ठीक है, और ये सेशन भी चलाएंगे हम अभी 2-3 क्लास के बाद, सवाल आपके जवाब हमारे का सेशन चलेगा। ठीक है, सर बीरू सर का नंबर ऑफिस में आकर के लीजिए, मनीष कुमार मुझे एक क्वेश्चन में डाउट है। बिल्कुल, आप उस पर भेज सकते हैं जो नंबर अभी दिया है। शिवांश वर्मा, सर जीडी का क्लास कब चलती है? चल रही है दोस्त, हमने बताया अभी बेसिक चल रहा है, ये जो बेसिक है वो एसएससी जीडी, ठीक है, एसएससी यूपीएसआई टेट सीटेट हर एक चीज़ के लिए यही है। ठीक है, इसके बाद जब हम 3 क्लास के बाद आगे बढ़ेंगे तो सब क्लासों का सिस्टम अलग अलग हो जाएगा। ठीक है भाई, हाँ, अब आशीष कुमार आपकी बात पे आते हैं। शिवांश चल रही है यार एसएससी जीडी की भाई मेरे क्लास। ठीक है, आशीष कुमार ये बता रहे हैं कि अगर व्यास दोगुना होता है, ठीक है, व्यास ये है तो क्षेत्रफल क्या इसका 1:4 नहीं होगा? तो 1:4 ही लिखा है मैंने, लेकिन यहाँ पर जो पानी बहता है पाइपों से, याद रखिएगा पाइप जो होते हैं ये नल जो हैं ये आपके सिलेंड्रिकल होते हैं, बेलनाकार होते हैं। ठीक है, और इन पे जो पानी निकलता है वो आयतन के रूप में निकलेगा। ठीक है, इनकी जो एफिशिएंसी होगी इनका आयतन ही होगा। ठीक है, और आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अगर मान लें आर वन है और एच जो है, अगर वो पाइप नल लगे हुए हैं तो दोनों नलों का एच बराबर माना जाता है। ठीक है, फिर पाई आर टू स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहाँ से अगर इनका रेशियो बनाए तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और आर जिस रेशियो में आपकी रेडियस होती है, त्रिज्या दो पाइपों की या दो व्यास जो दिए हैं बेस, उनकी त्रिज्या जिस रेशियो में होगी उसी रेशियो में उनके व्यास होंगे, त्रिज्या और व्यास। ठीक है, इनका रेशियो समान होता है। ठीक है, अब अगर त्रिज्या आपकी दोगुनी है तो व्यास भी दोगुना होगा, व्यास दोगुना है तो त्रिज्या भी दोगुनी होगी, और जिस उसमें त्रिज्या होगी उसके स्क्वायर वे में पानी निकलेगा, तो इनका स्क्वायर कर लिया। ठीक है आशीष जी, आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी मेरी बात। ठीक है, और उसके बाद गायब हो गए इतना सा कमेंट करके।
सर दोनों निकासी पाइप हैं, मैथ बहुत आसान है। चलिए बहुत बढ़िया, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है, ये बता रहे हैं दोनों। चौथा सवाल दिखाइएगा एक बार, पांचवा सवाल बता रहे हैं दोनों निकासी पाइप हैं, वंदना वर्मा बता रही हैं। पांचवा सवाल एक बार दिखाइएगा। अच्छा मौजूद हैं आशीष जी, आपको बात समझ में आ गई होगी। हाँ देखिए, इस सवाल में जो अभी किया है पांचवा सवाल, इसमें एक चीज़ और समझ लें, ठीक है। जैसे इसने कहा है ए 40 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है, हमने करा दिया भर सकता है, ठीक है, और बी की ब्यास इससे दोगुना है, ठीक है, बी का ब्यास क्या है इससे दोगुना है। तो अब देखिए ये अगर दोनों खाली करने वाले हैं तो दोनों माइनस साइन के साथ हैं, इनकी इफिशेंसी 1:4 हो जाएगी, ठीक है। अब काम क्या होगा आपका, 40 गुणे 1, ये काम हो जाएगा 40। अब अगर दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो 40 काम है, दोनों की क्षमता 5, 8 मिनट लगेगा, ठीक है। अगर दोनों खाली करने वाले हैं तो आपका ये आंसर सही है, और अगर ए भरने वाला और बी खाली करने वाला है तो आप लोगों ने जो आंसर किया वो सही है। तो देखिए इस सवाल में लिखा है कि पाइप ए भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। वो थोड़ा सा मिसप्रिंट है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वो खाली नहीं भरने वाला था, ठीक है, हमने बोला भी था कि भर सकता है, इसीलिए यहाँ पे प्लस का वो साइन दिया गया था, ठीक है। ये वंदना वर्मा, आई थिंक आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। मैंने बताया कि यहाँ पर क्वेश्चन में जो कह रहा था पाइप ए 40 मिनट में खाली कर सकता है, उसको मैंने बताया था खाली नहीं, वो भर रहा है, ठीक है। अगर खाली कर रहे होते दोनों तो यहाँ पे दोनों माइनस साइन के साथ होते, काम हो जाता 5 1 मिनट में, और 40 करना था तो समय 8 आता, ठीक है, क्लियर भाई। हाँ देखिए उपेंद्र वर्मा, विवेक कुमार शर्मा, सुषमा श्रीवास्तव सब बता रहे हैं 8 आता, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे, क्लियर हो गया भाई डाउट, ठीक। वो खाली उसमें क्वेश्चन में था, लेकिन हमने भरने वाले बताया था कि ये भर रहा है, इससे हमने कराया था, ठीक है, क्लियर भाई। चलिए तो अगले सवाल पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या होता है आपकी स्क्रीन पे। देखिए भाई अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए ये एक क्वेश्चन हटा दीजिए। देखिए भाई आप लोगों के कमेंट बॉक्स में एक सवाल आया है जबीर हुसैन शाह का, ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन से हटा दिया जा रहा है, फिर आपको देखते हैं ये सवाल, आप देखिएगा। सर क्वेश्चन सेंड कर दिया, बहुत बढ़िया, मिल गया जबीर जी सवाल मिल गया, आप सब लोग बताएं सवाल को। जबीर हुसैन का सवाल है कि ए और बी किसी टैंक को 20 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। देखिए ए और बी ये दोनों फिलिंग टैप हैं, ये 20 मिनट और ये 40 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। दोनों पाइप को खोल दिया जाता है तो टंकी को 15 मिनट में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद करना चाहिए। आई थिंक सब लोगों को सवाल मिल गया होगा, ठीक है, फिर से मैं सवाल पढ़ दे रहा हूं। दो नल ए और बी किसी हौज को 20 मिनट में भर सकते हैं, दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं तो टंकी को 15 मिनट में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद करना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई, हाँ देखिए आंसर आ रहा है, आप लोग आंसर करो भाई, आंसर करो। दुर्गेश यादव भी बता रहे हैं 3 मिनट 15 सेकेंड, और प्रशांत वर्मा बता रहे हैं 6 मिनट। चलिए और लोग बताओ भाई, और लोग बताओ, फिर हम बताते हैं आप लोगों को कितने समय बाद बंद करना चाहिए। और बाकी लोग भाई बताएं फटाफट आंसर करें, देखते हैं कहाँ गए सब लोग, आइए फटाफट आंसर करिए। भूपेंद्र 5 बता रहे हैं, वंदना वर्मा 10, अरवाज खान 5, बाकी लोग भाई, बाकी लोग सुसुप्ता अवस्था में चले गए क्या, आंसर बताएं भाई सब लोग फटाफट। चलिए देखिए कुछ नहीं है, मान लेते हैं काम इनका 40 है और ये 40 काम 20 मिनट में करता है, तो 1 मिनट में कितना करेगा 2, और ये 1 मिनट में कितना करेगा 1, दोनों भर रहे हैं, दोनों प्लस के साथ हैं। अब कह रहा है कि टैंक को 15 मिनट
में भरने के लिए बी को कितने समय बाद बंद किया जाना चाहिए। ठीक है, तो बी को भाई बंद किया जा रहा है, इसको बंद किया जा रहा है, ए को तो नहीं बंद किया जा रहा है ना, बोलिए, ए को नहीं बंद किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ए तो 15 मिनट तक पूरे चला होगा ना, 2 की क्षमता से 15 मिनट में कितना काम करेगा, 30। काम था 40, 30 कर दिया, बचा कितना, 10। अब इस 10 काम को कौन करेगा, बी ने किया होगा, बोलिए भाई, इस 10 काम को किसने किया होगा, बी ने किया होगा। ठीक है, तो अब बी 10 काम करता है जबकि क्षमता 1 है, तो समय कितना लगेगा, 10 मिनट, यानी 10 मिनट बाद दोनों को बंद कर देना होता है। ठीक है, क्लियर भाई? देखिए सबके अलग अलग आंसर आए, लेकिन सही आंसर 10 होगा। चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो, देखिए चेक करवा देते हैं हम लोग। जैसे अगर मान लेते हैं ए को आप 15 मिनट चलाओ, ए प्लस बी को 10 मिनट चला लो, ठीक है, 10 मिनट तक चलेंगे, 3 की क्षमता से कितना काम करेंगे, 30, 30 कर देंगे। और उसके बाद 15 मिनट में टैंक भरा है, यानी कि ए के पास अभी 5 मिनट और है, 2 की क्षमता से कितना करेगा, 10, तो टोटल काम कितना हो गया, 40। देखिए हो गया 40 काम, यानी कि आपका 10 मिनट सही था। ठीक है, क्लियर? तो इसका आंसर 10 मिनट होगा। बहुत सारे लोगों के अलग अलग आंसर आए। ठीक है, देखिए सही आंसर जो सबसे पहले किया है वंदना वर्मा ने किया है, फिर अतुल कुमार ने किया है, ठीक है, फिर सुषमा श्रीवास्तव, चलिए ठीक है भाई। और इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था, देखिए जैसे हमने अभी कराया है कि बी को बंद किया गया है, ध्यान से समझ लीजिए सवाल भाई। इसने कहा है बी को बंद करना है और टैंक 15 मिनट में भरना है, यानी कि ए पूरे 15 मिनट तक चला होगा, हमने चला लिया ए को 15 मिनट तक, ठीक है। अब जो बचा भाग है, 15 मिनट तक चलाने के बाद 1 मिनट में 2 भर रहा है, 15 मिनट में 30 भर दिया, 40 था 30 भर दिया, 10 बचा। अब ये 10 किसके लिए बचा होगा, बी के लिए, क्योंकि ए अपना पूरा काम चल करके चला गया। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कहें दोनों को चला देते हैं, 3 की क्षमता से 15 मिनट तक चला दो तो कितना काम कर देंगे, 45 मिनट, 45 काम कर देंगे। ठीक है, काम था 40, 5 एक्स्ट्रा कर दिया। ठीक है, अब इस 5 काम को एक्स्ट्रा क्यों किया, क्योंकि इनकी क्षमता जो है मतलब बी को पूरे समय तक चलाया नहीं गया, तो 5 काम एक्स्ट्रा किया है किस क्षमता से, 2 की क्षमता से, एक इसकी क्षमता थी, 2 इसकी क्षमता, तो यहाँ पे 2 की क्षमता से होगा। तो छोड़ो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वही आपका सही था कि इसको कितने समय बाद बंद कर दिया जाए, तो ए को पूरे 15 मिनट तक चला लो, उसके बाद बंद कर दो। ठीक है, ये हाँ, चलिए और किसी को भाई पूछना है तो पूछ सकते हैं, और किसी को अगर पूछना है, विनोद कुमार लाइक कर रहे हैं, हिमांशी श्रीवास्तव 10, बिल्कुल सही है विनोद कुमार, ये तिरंगा भेज रहे हैं भाई, भारत की शान है तिरंगा। हाँ बताएं भाई, और किसी को पूछना है सवाल, नहीं पूछना है तो हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पे क्या आ सकता है। ठीक है, और सब लोग तैयार रहें, इसके बाद जो अभी दूसरी क्लास होगी इसी चैप्टर में होगी, ठीक है, उसके लिए आप लोगों को तैयार रहना होगा कागज कलम लेकर के, क्योंकि उसमें कुछ अच्छे सवाल भी कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए आपके स्क्रीन पे सवाल आने वाला है, और इस सवाल पे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए आपको शायद सवाल मिल गया होगा, ठीक है, एक बार हम पढ़ दे रहे हैं। ठीक है, सवाल है, 3 नल ABC एक हौज को क्रमशः 6 मिनट, 8 मिनट तथा 24 मिनट में भर सकते हैं। खाली हौज में तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तथा नल सी को हौज भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। हौज कितने समय में भर जाएगा? ये आशीष कुमार बता रहे हैं 3 मिनट 15 सेकेंड, ठीक है, और अरवाज खान सी, विनोद 10, विनोद 10, सुनील मैथ बहुत आसान है, बिल्कुल दोस्त मैथ तो बहुत आसान है ही, वंदना वर्मा सी, आलोक, अरवाज खान, दुर्गेश, मुस्कान वर्मा सी, हिमांशी श्रीवास्तव सी। चलिए तो देखते हैं, 3 नल ABC हैं, ठीक है, इसको 6, 8 और 24 मिनट में भर सकते हैं, तीनों भर रहे हैं ना भाई, और इसको 6, 8 और 24 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, लिख ले रहा हूँ पहले, ए बी और सी तीनों फिलिंग टैब हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 6, 8 और 24 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, सी को 2 मिनट पहले बंद कर दिया गया है,
2 मिनट पहले सी को बंद कर दिया गया। अब कह रहा है कि हौज कितने समय में भर जाएगा। चलिए क्वेश्चन हटा दीजिए स्क्रीन से, फिर देखते हैं। रमन वर्मा, वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं भाई, सवाल आपकी स्क्रीन से हट जाए, फिर आप लोगों को बताते हैं। तब तक आप लोग आंसर करते रहें। देखिए आंसर कौन कौन कर सकता है भाई। आंसर करें भाई। अजय कुमार वर्मा, सुनील राजपूत, अतुल, रमन, वेरी गुड मॉर्निंग, प्रशांत, महेंद्र, रोहित, सब लोग आंसर कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अभी कुछ नई चीज़ लेकर के आएंगे इसके बाद हम लोग, तो आप लोग को एकदम मुस्तैदी के साथ बैठना है। और आज बहुत कम लोग जुड़ पा रहे हैं भाई। अर्पित यादव, गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। मुस्कान द्विवेदी सी बता रही हैं। चलिए देखते हैं। देखिए ए इसको भरता है 6 मिनट में, बी 8 मिनट में, और सी 24। तो मान ले काम अगर 24 था तो ये 1 मिनट में कितना करेगा, 4, ये 3 और ये 1। ठीक है, कह रहा है कि नल टंकी भरने से 2 मिनट पहले सी को बंद कर दिया जाता है। भाई बंद कर लो सी को। ठीक है, अब अगर सी को बंद कर दिया गया, यानी कि अगर देख ले काम यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक चला, स्टार्ट हुआ ए प्लस बी प्लस सी चल रहे थे, जब लास्ट के 2 मिनट बचे सी को बंद कर दिया गया, तो किसने काम किया होगा, ए और बी ने। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी अगर 2 मिनट काम करते हैं तो क्षमता क्या होगी, 7, 4 और 3 7 की क्षमता से 2 मिनट में 14 काम कर देंगे। 24 था, 14 कर दिया, बचा कितना, 10। इस 10 काम को किसने किया होगा, तीनों ने किया होगा। तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 4 3 7 1 8। तो अब टाइम क्या लगेगा, 10/8, ठीक है, 5/4। ठीक है, इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, गुणे 60 कर लेते हैं, 15 चौके 60, 15 5 75 मिनट यहाँ लगेगा। ठीक है, 75 मिनट ये और 2 घंटा ये, तो टोटल टाइम कितना लगा भाई, टोटल टाइम आपका लगा 2 घंटा ये और प्लस 75, मतलब 1 घंटा 15 मिनट ये। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3 घंटे 15 मिनट टोटल टाइम हो गया। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट में टोटल टैंक भर गया। ठीक है, देखिए सबका सही था, बहुत बढ़िया। और ये टाइम एंड वर्क में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लास में करा चुके हैं। ठीक है, इसी सवाल को अगर दूसरे वे में करना चाहें तो कैसे करेंगे, जैसे इसने कहा सी को बंद कर दिया गया 2 मिनट पहले, अगर ना बंद किया जाता तो 2 मिनट तक काम करता, और जब बंद किया गया तो भी टैंक भर गया है, अगर ना भर बंद किया जाता तो इतना काम क्या होता है, एक्स्ट्रा। 24 था, 2 और कर देता तो काम कितना हो जाता, 26। और जब 26 काम है तो कोई भी टैंक बंद नहीं किया गया है, मतलब कि तीनों चले, जब तीनों चले, ठीक है, तब 26 काम है, तीनों क्षमता 8 है, तो समय कितना लगेगा, 8 3 24, 3 सही 1/4 घंटे। ठीक है, इसको अब 3 घंटे तो कंप्लीट हो गए, 1/4 को मिनट में कन्वर्ट कर लो तो 15 मिनट ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपका 3 घंटे 15 मिनट, ऐसे भी आप कर सकते थे इस सवाल को। ठीक है दोस्तों, क्लियर भाई। चलिए तो आज देख लिया आप लोगों ने, अभी ये कुछ एक सवाल और है, मतलब इस सवाल को दोनों तरीके से किया जा सकता था। अभी थोड़ी देर बाद आपकी हिंदी की क्लास होगी, उसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे अपने कुछ एक अच्छे सवालों के साथ। ठीक है, तब तक के लिए विराम लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय टू ऑल ऑफ यू।